सुबह हो गई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो चैनल। तो मैं बिस्तर से उठ गई हूँ और आज मैं बाज़ार जाना है, सोईगांव बाज़ार पे, तो इसलिए फटाफट मैं बिस्तर ठीक कर रही हूँ। अभी ब्रश करूँगी, नहाऊँगी और तैयार करना है। गुड मॉर्निंग मैम, ये हमारा बिल्ली भी जस्ट रूम पर आई है। रात भर बाहर पर सोती है, सुबह होते ही रूम पर आती है ये। तो मैं अपना रूम से तैयार होकर निकल चुकी हूँ सोईगांव बाज़ार के लिए। तो मैं अभी मेन रोड पर हूँ, तो यहाँ से मैं ऑटो रिक्शा पकड़ना है और टाइम फ्रेंड्स, मैं अब ऑटो रिक्शा पे हूँ सोईगांव बाज़ार के लिए। तो देखते हैं वहाँ पर कैसे सब्जियाँ मिलेंगे। और ये देखिए ना, हमारा ये ऑटो का हालत बहुत बुरा है। तो मैं पहुँच गई हूँ सोईगांव बाज़ार। एक्चुअली मैं आज ट्राइबल सब्जी धोने के लिए आई हूँ यहाँ पर सोईगांव बाज़ार पे। देखते हैं मिलेंगे कि नहीं। 20 का ना, 20 का ना, अब इतना लगा लगा किमान किमान है देखो। चलो किमान बेचे दाम किमान दाम क्या होता था? लकल चला झाल से नहीं के झाल से झाल गरम से झाल। ये तो और कम ना होने के और ये तो कितने का दिसे बंदे? ये तो 40, ये तो 40 सब बंदे ठीक है। और चलो बंदे ठीक है। अच्छा बात है, बंदे ना से। फ्रेंड्स आज का मेरा शॉपिंग खत्म हो गई है, तो अब मैं रूम पर जा रही हूँ और आज क्या क्या खरीदारी मैं दिखाऊंगी वहाँ रूम पर पहुँच के। तो वहाँ रूम पर निकले हैं। तो फ्रेंड्स मैं पहुँच गई हूँ अपने रूम पे सोईगांव बाज़ार से। और आज क्या क्या बाजार कर रही मैं दिखाती हूँ। और साथ में मेरा बिल्ली भी यहाँ पर रुक रहा है, देखो। तो यही रहा आज का मेरा शॉपिंग सोईगांव बाज़ार से। देखते हैं उसका अंदर पे क्या क्या है, मैं दिखाऊंगी अभी। तो आज मैं यही ख़रीदा हूँ। ये देखिए छोटा छोटा साइज़ का मिर्ची है। झाल होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दुकानदार ने बोला है कि बहुत जला है, पता नहीं खा के मैं देखूंगी आज। ये है ब्रिंजल, आज लोकल ब्रिंजल मिला है तो इसलिए मैंने ले लिए, दाम भी ज़्यादा नहीं है। और ये है बिंदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये पूरा पॉलिथीन मैंने 40 रुपीज़ दिया है और ये हमारा बाज़ार पे बहुत दाम है, 20 रुपया से बहुत कम मिलते हैं। और मैंने ये नींबू भी लिया है, दिन में बहुत फ्रेश है, देखिए बहुत फ्रेश, नया नया लाया है उन लोगों ने। और ये है बैम्बू शूट, बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, दाम तो बहुत है लेकिन लेना पड़ रहा है क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं खाया नहीं है ये, तो इसलिए मैंने ले ली है। दूसरा दुकान पे ये पूरी तरह से 60। और ये है गार्लिक, मैंने इस बार टुकड़े टुकड़े वाला छोटा छोटा वाला ही खरीदा है मैंने, क्योंकि छिलने में भी बहुत आसान है, शॉर्टकट भी है, तो इसलिए मैंने ले ली। और मैं यही ख़रीदा हूँ, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इंग्लिश में स्नेक गार्ड बोलते हैं, स्नेक गार्ड चिचिंगा। यहाँ पर छोटा छोटा साइज का मिलते हैं और हमारा जगह पे बहुत ज़्यादा लंबा लंबा और मीडियम साइज बहुत सारा मिलते हैं, लेकिन छोटा सा इस बार पहले बार देखा है। और ये है बम्बू शूट पिकल के लिए, आचार के लिए ये लोग इस तरह से ग्राइंड करके पॉलीथीन के अंदर पैक करके इसी तरह बाज़ार में भेजा करता है। और ये कंटेनर के अंदर पे भी डाल सकते हैं हम लोग,
ज़्यादा से ज़्यादा कंटेनर का अंदर पे डाल देंगे तो बहुत अच्छा होंगे, और उसमें से बहुत चीज़ डाल सकते हैं। और ये लास्टली में ये ख़रीदा है झाड़ू। काफ़ी दिनों से मैं खरीदने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन मैं भूल जाती हूँ, लेकिन इस पर मैं खरीद कर लाई हूँ। मैं अभी इसे प्लास्टिक खोल लेती हूँ। यही है मेरा झाड़ू। मैंने 50 रुपीज़ दिया है, पूरा MRP रेट में ये 60 रुपीज़ बोल रहे थे उन लोगों ने, फिर भी मैंने 50 देके लेकर आया है रूम पे। और ये देखिए हमारा बिल्ली मेरा नया झाड़ू के साथ खेल रहा है। और मैं ये बताना भूल गया था, और मैंने ये ख़रीदा है, मैंने पोर्क मीट ख़रीदा है 1/2 kg। ये देखिए पूरी तरह से फ्रेश है। मैं इसे अब बना के पकाऊंगी और खाऊंगी। तो यही था आज का मेरा सब्ज़ी बाज़ार। आज बाज़ार में जो मैंने ख़रीदा था बम्बू शूट, यही है। मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पीस में काट के यहाँ पर रख रही हूँ। मैं पानी डाल के इसमें प्लेन पानी डाल के मैं थोड़ा देर के लिए मैं बॉयल करूँगी, 10 से 15 मिनट तक के लिए, ताकि ख़राब ना हो जाए। और मैं यहाँ पर राइस कुकर पे मैंने बॉयल किया है पोर्क मीट, और ये 1/2 पोर्क अब बनाऊंगी बम्बू शूट के साथ। तो मेरा खाना बन गया है और साथ में मेरा बिल भी रुक रहा है मुझे। तो अब मैं खाना खाऊंगी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है, सुबह से खाया नहीं कुछ भी। तो ये रहा मेरा खाना। आज मैंने क्या क्या आइटम्स बनाया है मैं दिखाऊंगी। ये है दाल मोठ, और ये है चटनी, ऑनियन का चटनी मैंने बनाया है। ये है नींबू, चिल्ली कसम मैंने मिक्सअप करके बनाया है। और ये है अचार, और ये है पोर्क मीट बम्बू शूट के साथ में बनाया है। और ये एक हर सब्जी ब्रिंजर और आलू ड्राई फ्रूट के साथ बनाई हूँ, उसका बनाया है। और ये है बॉयल, प्लेन बॉयल मैंने किया है। मैंने इस तरह से बॉयल खाना बहुत पसंद लगता है। और ये है पानी। तो मैं ऑलरेडी खाना खाने के लिए स्टार्ट हो चुकी हूँ, और हमारा बिल्ली भी रुक रहा है, अभी तक जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो के बारे में? लंबा तो बहुत है, मैंने बहुत शॉर्ट करने के लिए कोशिश किया है और शॉर्ट किया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि आप लोग को नया नया वीडियो मिलते रहेंगे। टिल देन थैंक यू, बाय।